सो हाय गाइस, अभी हम लोग देखने वाले हैं मॉनेटरी डेटा टाइप्स। सो एज द नेम सजेस्ट, ये यूज होता है मेनली फॉर स्टोरिंग करेंसी वैल्यूज। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको डॉलर्स में रखना है मॉनेटरी वैल्यू स्टोर करना है अपने डाटाबेस में, या फिर यूरोस में रखना है। और ऐसा एग्जांपल में हम लोग मतलब यूज केसेस में उसको मेनली हम लोग यूज करते हैं ना, जहाँ पे हम लोग लाइक फाइनेंशियल कैलकुलेशन वगैरह करना है हम लोग को, और प्रिसीजन हम लोग को मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अकाउंटिंग में कहीं पे हम लोग यूज़ करना है उसको, प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, या फिर आप ई कॉमर्स या फाइनेंशियल सिस्टम में भी यूज़ करना है आपको। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं टर्मिनल में। यहाँ पे नया एक हम लोग टेबल बनाएंगे और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक टेबल बनाते हैं विद द नेम ऑफ क्रिएट टेबल, फिर हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन TRN ऐसा हम लोग दे दिया उसको नाम। अभी के लिए शॉर्ट कुछ नाम हम लोग ने दे दिया, फिर हम लोग उसको टेबल हम लोग इसको बनाने वाला है। तो ओके, फिर यहाँ पे आईडी हम लोग रखते हैं, लाइक आईडी यहाँ पे हम लोग ने रख दिया। फिर इसको क्या करते हैं, इसको सीरियल यहाँ पे, और फिर इसको प्राइमरी की। प्राइमरी की वगैरह क्या है हम लोग वो बाद में हम लोग इसे भी देखने वाला, तब हम लोग देखेंगे उसको। अभी के लिए बस उसको आईडी एक हम लोग ने दे दी, ये ऑटो जनरेटेड हो जाएगा अपने आप। फिर हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, एक डिस्क्रिप्शन जो पहले वीडियो में हम लोग ने देख ही लिया ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट उसको दे देते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा हम लोग देते थे अमाउंट। ओके, अमाउंट में जो डाटा टाइप है ये हम लोग को अभी इस वीडियो में हम लोग चाहिए मेनली। सो अमाउंट में डाटा टाइप वो है मनी, मनी हम लोग देते हैं। फिर इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ओके, क्रिएट टेबल हो गया। फिर हम लोग इसको टेबल को एक बार देख लेते हैं हम लोग, लाइक फिन अंडरस्कोर TRN। ओके, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब, तो ऐसा हम लोग देख लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए आप आईडी जो हो गया वो इंटीजर हो गया, नॉट नल हो गया, ये ऐसा कुछ हो गया। फिर जो डिस्क्रिप्शन है वो टेक्स्ट हो गया, अमाउंट जो है वो मनी हो गया। तो इसमें कैसा टाइप का डाटा जाएगा। सो एक नया रो इंसर्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, मॉनिटरी सिस्टम पोस्टग्रेस का लोकल सिस्टम सेटिंग हम लोग देख लेते हैं। तो वो देखने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे सो LC अंडरस्कोर मॉनिटरी, ये हो गया आपका मॉनिटरी। फिर हम लोग इसको एंड करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपका कुछ और आ सकता है आपके कंट्री के हिसाब से। मेरा यहाँ पे इंडिया रिलेटेड था, तो मैंने फॉर एग्जांपल इस वाले प्रोजेक्ट मतलब एग्जांपल के लिए मैंने डॉलर यूज़ करने वाला हूँ, तो डॉलर यूज़ करने के लिए हम लोग को वो चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए आप जो है ना ये वाले मतलब कमांड यूज़ करते सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेट LC अंडरस्कोर मॉनिटरी, ये हो गया मॉनिटरी। फिर यहाँ पे टू जो भी आपको कंट्री का आपको यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल यूरोप का यूज़ करना है, तो आई गेस उसके लिए कुछ अलग सा होगा, तो आप वो नेट में देख लीजिए और वो आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डॉलर यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा EN, फिर हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर US करने वाले हैं, EN अंडरस्कोर US, फिर यहाँ पे .UTF-8 ये हम लोग करने वाले हैं UTF-8। फिर ये करने के बाद जो है ना ये सेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखिए सो LC मॉनिटरी, ये आपका ये आ जाएगा। फिर अभी हम लोग एक नया हम लोग क्या करते हैं ना वैल्यू इंसर्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे करते हैं इंसर्ट इन टू, तो हम लोग क्या था वो FIN अंडरस्कोर फिर TRN था, राइट। फिर हम लोग इसको एंटर करते हैं, फिर इसका हम लोग वो कॉलम का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कॉलम का नाम हो गया वो होगा आपका डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे अमाउंट था ना आपका, तो अमाउंट हम लोग करेंगे यहाँ पे, फिर इसको एंटर कर देंगे। फिर हम लोग इसको वैल्यूज करने वाले, एक एक वैल्यूज हम लोग यहाँ पे देने वाले। आईडी हम लोग को नहीं चाहिए क्योंकि आईडी वो तो ऑटो जनरेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला प्रोडक्ट का हम लोग देते हैं लाइक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। ओके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। फिर जो वैल्यू है ना, वैल्यू हम लोग यहाँ पे देने वाले लाइक यहाँ पे डॉलर, देखिए डॉलर 100.25 ये हम लोग वैल्यू उसका देने वाले। मान लीजिए आपका ये मतलब जो है ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। फिर हम लोग सेकेंड वैल्यू भी हम लोग डालने वाले, सेकेंड वैल्यू मान लीजिए आप सर्विस टैक्स आप यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, ये लास्ट वैल्यू होगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर, डिस्क्रिप्शन में हम लोग मान लीजिए सर्विस टैक्स हम लोग देने वाले, सर्विस टैक्स हो गया। फिर हम लोग जो कोमा है, कोमा देके हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे मान लीजिए वो $50.75 का हो गया, कोई भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले, जस्ट एग्जाम्पल ले लिए तो कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ देखिए ये हो गया आपका, रुकिए सॉरी मैं वहाँ पे परसेंटेज दे दिया इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। आप बटन दबा के हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं। देखिए इंसर्ट इनटू हम लोग क्या करने वाले हैं, इंसर्ट इनटू हम लोग यहाँ पे देखने वाले डिस्क्रिप्शन अमाउंट, फिर जो वैल्यूज था ना वैल्यूज हम लोग देने वाले हैं। फिर देखिए ये जो है ना इसको हम लोग टाइपर को ठीक कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, वो होगा आपका डॉलर, ये हो गया आपका डॉलर हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग जो वैल्यू देने वाले हैं वो हो गया आपका, ये देखिए सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स भी हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं इंसर्ट टू। तो अभी हम लोग अगर सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम फाइनेंशियल अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन, ओके ये करने वाले, यहाँ देखिए ये आराम से वो आ जाएगा डॉलर डॉलर के साथ। फिर अभी और एक हम लोग एग्जांपल देखने वाले, फॉर मान लीजिए आपको मतलब ऐसा कुछ करना है, राइट, आपको मतलब प्लस करना है उसके साथ, आपको अमाउंट के साथ आपको और एक प्लस करना है, और उसका एक नया वैल्यू आपको मतलब ऐड करना है। मान लीजिए कुछ एक एक्स्ट्रा मतलब अमाउंट आप ऐड करना है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, सिलेक्ट हम लोग क्या करेंगे ना
यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर मान लीजिए आप अमाउंट हम लोग ले रहे हैं उसके बाद, ओके अमाउंट हो गया। फिर यहाँ पे कोमा देके हम लोग क्या करने वाले हैं, हो गया आपका अमाउंट, रुके सॉरी अमाउंट प्लस हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक अलग वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए $25.something हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 25. मान लीजिए $50 हम लोग ऐड कर रहे हैं। फिर इसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, वो जैसे एलिस मैंने आपको दिखाया था ना, वो हो गया आपका। देखिए यहाँ पे हम लोग नाम दे रहे हैं लाइक टोटल अंडरस्कोर अमाउंट, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं अभी के लिए। फिर एंटर करके हम लोग नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखने वाले हैं फ्रॉम, जो टेबल का नाम है वो हम लोग देने वाले हैं, फिन अंडरस्कोर TRN, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये देखिए असली अमाउंट था आपका 100.25। फिर हम लोग इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं ना 25.50 हम लोग प्लस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसी के साथ मतलब अगर जब आप मनीटरी मतलब जो मनी है ना मनी डाटा टाइप यूज़ करते हैं, तो ऐसा टाइप का मतलब रिक्वायरमेंट के लिए ये सूटेबल है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, हम लोग और भी डाटा टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं। सो या प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।